नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई फॉर रियल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जिन्होंने BSF में अप्लाई किया था उनके लिए एक नया नोटिस आया है, तो चेक कर लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे है दोस्तों खबर, हालांकि ज़्यादा अच्छी नहीं है ये। कोरिजेंडम ऑफ डेट शेड्यूल फॉर रिटर्न PST पैट एंड फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये कौन सी पोस्ट के रिगार्डिंग है दोस्तों, इसको चेक करेंगे पूरा का पूरा, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट हैं जो कि BSF की तैयारी कर रहे हैं, तो शेड्यूल जो चेंज हुआ है एग्ज़ाम का दोस्तों, वो काफ़ी इफेक्ट डालेगा बच्चों की तैयारी पे भी। और इसके अलावा भी पूरा प्रोसेस चेक कर लेते हैं। देखिए ये आया है दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिन्होंने अप्लाई किया था हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए, उनके लिए है ये। तो इनका जो एग्ज़ाम है दोस्तों, OMR बेस्ड जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो होना था 28 जुलाई 2019 को। ये देखिए यहाँ पे OMR बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 28 जुलाई 2019 को होना था ये, लेकिन अब जो है इसकी डेट चेंज कर दी गई है दोस्तों। ये जो 28 जुलाई को होना था, अब ये होगा 22 सितंबर 2019 को। OMR बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 22 सितंबर 2019 को। और जो PST पैट और डॉक्यूमेंटेशन होना था आपका 9 अक्टूबर 2019 को, वो होगा आपका 2 दिसंबर 2019 को। और उसके बाद नंबर थर्ड पे है दोस्तों, पूरा शेड्यूल इन्होंने चेंज कर दिया गया है। डिस्क्रिप्टिव रिटर्न एग्जाम जो आपका 24 नवंबर को होना था, वो होगा 2 फरवरी 2020 को। और जो है आपका फाइनल मेडिकल एग्जाम जो है 30 जनवरी को जो होना था दोस्तों, वो होगा 13 अप्रैल 2020 को। तो दोस्तों कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो पूरा फाइनल प्रोसेस है 30 जनवरी को पूरा होना था, वो फाइनल प्रोसेस अब आपका अप्रैल में जाके पूरा होगा, यानी कि 3 महीने का डिफरेंस है दोस्तों। हालांकि खबर ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं BSF में हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के लिए, मैं उनको सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि वो तैयारी रखें अपने, लगातार तैयारी को ब्रेक ना दे बीच में किसी भी तरीके से। आप लगे रहें, कोई दिक्कत नहीं है। जो काम प्रोसेस जनवरी में पूरा होना था वो अप्रैल में हो जाएगा, 3 महीने का डिफरेंस है, कोई बात नहीं दोस्तों। ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन होते रहते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में एग्जाम वगैरह पोस्टपोन होते रहते हैं, डेट एक्सटेंड होती रहती है दोस्तों। कभी फॉर्म अप्लाई करने की डेट एक्सटेंड हो जाती है, तो कभी रिटर्न एग्जाम वगैरह या OMR एग्जाम वगैरह से रिलेटेड एग्जाम जो है वो आपके एक्सटेंड होते रहते हैं दोस्तों। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लगातार तैयारी आप करते रहें दोस्तों। वीडियो को आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।